अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग जो है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। और आज के व्लॉग में क्या है, आप लोगों को टाइटल और थंबनेल से तो ऑलरेडी पता चल ही गया होगा, जिसमें छुपाने वाली कोई बात है नहीं। खैर तो भी बता देती हूँ, आज हम लोग लगाएंगे सीख कबाब। तो आज हम लोग के घर पे है सीख कबाब पार्टी। हम लोग बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे लगाने का, लेकिन नहीं लगा पा रहे थे क्योंकि हम लोगों के घर में एक बंदा था जो मिसिंग था। तो हम लोग उसके आने का वेट कर रहे थे कि वो जब घर में आ जाएगा तो तभी हम लोग लगाएंगे। और फाइनली आज वो दिन आ ही गया जिसका हम सब लोगों को बहुत दिनों से इंतज़ार था। तो आज फाइनली हम लोग की फैमिली जो है वो कंप्लीट हो गई। तो वो बंदा आ गया, वो आप लोग को वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कौन था जो नहीं था हम लोग के घर में और आ गया। तो उसी खुशी में आज हम लोगों ने लगाया सीख कबाब। तो मैंने अभी सारा गोश्त और सब कुछ धो के रख दिया, और ज़ाहिर जो है कुछ चीज़ें कम थी वो लेने गए मैं अभी बाहर। तो वो बाहर से आ जाए तो फिर उसके बाद वही मसाला लगाएंगे, फिर आप लोग को आगे इंशाल्लाह वीडियो में पता चलता रहेगा कि कैसे लगाए कैसे नहीं। तो आज का व्लॉग बहुत ही मज़े का होने वाला है, तो व्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, मिस मत करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो उज़ैर आ गए हैं, अभी मैं जाके देखती हूँ क्या क्या लेकर आए, और जल्दी मसाला लगाती हूँ कि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है अभी। तो यहाँ पर सब गोश्त और सब चीज़ें निकाल के रख ली हैं, बाकी आगे आप लोगों को जो है वो उज़ैर बताएंगे। बताइए उज़ैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बकरे का गोश्त है, ये सांप का भी गोश्त है इसमें, और इसमें पसली का भी है, बकरे का है। मेरे हाथ में चोट है, इस वजह से शॉपर बांधा हुआ है ताकि जले नहीं ना मसाला लगाने से। ये बकरे का गोश्त है, तकरीबन होगा डेढ़ किलो, पौने दो किलो होगा। इसका जो है हम नमकीन बोटी बनाएंगे, मतलब कि इसमें सिर्फ नमक लगेगा और गोश्त का टेस्ट होगा। सही है। इसको जो है वो ज़्यादा कुक नहीं करना है, मतलब हल्के फ्लेम पे इसको कुक करना है, कोयले पे। अच्छा, तो ये हम अलग समझ लें, ये नॉर्मल है, और ये हम बना रहे हैं स्पाइसी बोटी, सीख बोटी जैसे सीख बोटी, लेकिन ये होगी स्पाइसी और ये होगी सिर्फ नमक वाली। इसमें सिर्फ नमक लगेगा, और ये गोश्त भी बकरे का है, और ये चाप का गोश्त है, और ये मिक्स है, समझ लें कि ये बीफ है, और ये मसाले वाली होगी बोटी जिसमें हम बिहारी कबाब का मसाला लगाएंगे और इसको सीख कबाब बनाएंगे। सही। पहले लहसुन अदरक, अदरक लहसुन के ये वाला पेस्ट ले लो पहले। पानी इसमें हटा दो, इसमें हटा दीजिए पानी। तो ये निकलेगा कैसे? ये लिए स्पून से निकालिए। लहसुन अदरक का पेस्ट है, सबसे पहले ये डाल देते हैं जिससे स्मेल जो है वो, ये तो गोश्त में बहुत जरूरी है, ये गोश्त में जरूरी है, लेकिन ये इतना ज्यादा भी नहीं डालना है क्योंकि ये कोयले पे वैसे भी कुक होगा, वरना गोश्त पानी पानी हो जाता है। तो उसमें लहसुन अदरक हमने देखा, पहले हम मसाले वाली बोटी में मसाला लगा रहे हैं, उसके बाद आपको नमकीन बोटी में लगा के दिखाएंगे मसाला। सही है। अब इसमें क्या ऐड करें? दही डाल लें। ये दही मैंने फेंट के रख ली है, एक पाव दही है ना ये। अब इसमें से कितनी ऐड करना है वो देख लीजिए। दही जो है वो, दही भी इतना ज़्यादा ना डालें, मतलब आधा पाव सिर्फ दही ऐड किया हम लोगों ने। आधा पाव, ये पूरा आधा किलो था। अच्छा, ये आधा किलो था? नहीं, मैंने एक पैकेट निकाले, दो पैकेट थे ना, पैकेट मतलब ये एक पाव। हाँ, एक पाव दही था, उसमें से आधा पाव अभी डल गया। और ये शान का मसाला है, सबसे बेस्ट बिहारी कबाब का मसाला, लाइफ टाइम। अलग कुछ और मसाला डालने की जरूरत ही नहीं है, ऐसी से अच्छा टेस्ट आ जाता है। पीछे तो फातिमा, पीछे तो मसाला है, पीछे तो। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें आपने खुद अंदाजा लगाना है कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से कितना स्पाइसी चाहिए, कितना स्पाइसी चाहिए। इसमें हमने चर्बी वाला गोश्त भी रखा है जिससे जो गोश्त का टेस्ट जबरदस्त आता है। दही भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक रख सकते हैं, लेकिन दही ज़्यादा ना डालें, मतलब पानी हो जाता है, पानी छोड़ देते हैं ना दही पूरा। इसमें अभी एक चीज़ की कमी है, वो पपीता है, वो डालेंगे हम। पपीता को क्रश करके डाल सकते हैं आप, जिससे गोश्त में टेस्ट भी, फ्लेवर भी अच्छा आएगा, और ये जल्दी गलेगा, ताकि मतलब आपके पास अगर कम टाइम है तो पपीता ज़्यादा डाल लीजिए। हाँ, अगर कम टाइम है तो, वरना पपीते की कोई ज़रूरत खास नहीं है, लेकिन फ्लेवर के लिए पपीता अच्छा होता है कबाब में। अगर आपके पास पपीता अवेलेबल नहीं है तो गोश्त गलाने वाला पाउडर भी आप लोग जल्दी में डाल सकते हैं, वो भी जो है वो गोश्त को अच्छे से गला देते हैं। इसमें तकरीबन तीन डाल दिए पैकेट, और दही हमें कम लग रहा है तो हम दही थोड़ा सा और डाल देते हैं। अच्छा, इसमें तीन पैकेट अभी डल चुके हैं। कितना अच्छा लग रहा है अभी से मसाला।
थोड़ा सा इसको जूसी करने के लिए कुकिंग ऑयल डाल देते हैं। सही है, कुकिंग ऑयल आप कोई भी डाल सकते हैं, अगर कोई घी यूज़ करते हैं तो घी भी डाल सकते हैं। घी भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं, कि सब लोग तो कुकिंग ऑयल नहीं यूज़ करते हैं ना खाने में। अब नमक डाल देते हैं, नमक कम ही डालना है क्योंकि ये शान के मसाले में नमक होता है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है। डालो थोड़ा सा और डालो, हाफ स्पून डालो मतलब। बस इंशाल्लाह इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आने वाला है, क्योंकि उज़ैर जो बना रहे हैं, उज़ैर तो शेफ हैं, फिर हमेशा बनाते हैं और टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अभी पपीता डलेगा। हाँ बस पपीता डलेगा और हरी मिर्ची का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट भी डलेगा, पपीता भी डलेगा। बस ये दोनों चीज़ें रह गई हैं। कराची में आजकल लाइट ने इतना तंग किया हुआ है कि लाइट अवेलेबल ही नहीं रह रही है घर पे। अब जब लाइट आएगी तभी डलेगा। ये तो स्पाइसी बोटी हो गई रेडी, हमारा मसाला लग चुका है। अब इसको मैरिनेट करेंगे 2-3 घंटे के लिए, और जब तक हम इसमें अब लगाते हैं अपनी नमकीन बोटी को रेडी करते हैं। तो जैसा कि शुरू में बताया था कि ये बकरे का गोश्त है और ये थोड़ा सा है, ट्राई कर रहे हैं फर्स्ट टाइम नमकीन बोटी रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाने का। तो वैसे ये शनवारी बोटी भी हो सकती है, अफगानी बोटी भी हो सकती है, लेकिन क्योंकि हमने इसको अपने स्टाइल से बनाया है तो इसको हम लोग नाम भी अपना देंगे, नाम भी अपना देंगे। इसमें थोड़ा पानी निकाल देते हैं। सही, इसमें लहसुन अदरक थोड़ा सा डाल लेते हैं, वैसे ज़रूरी नहीं है लहसुन अदरक, लेकिन डाल लें तो अच्छा है, और अगर पानी अगर लहसुन अदरक का हो तो ज़्यादा अच्छा है। अदरक लहसुन का पानी, वैसे इसमें प्याज का पानी भी डालते हैं, प्याज को चॉप करने के बाद प्याज का पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी हम नहीं डालेंगे क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो और इसको फ्लेवर देना चाहें वो डाल सकते हैं। अभी हमें बिल्कुल सिंपल चाहिए, इसलिए हम बिल्कुल सिंपल बना रहे हैं, मतलब सिर्फ कोयले में पका हुआ चाहिए बस। ओके सही है, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डल गया, अदरक लहसुन का पेस्ट डल गया। अब इसमें नमक डलेगा। सही है, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, जिसको ज़्यादा टेस्ट पसंद है। हाँ अपने टेस्ट के मुताबिक, इसमें नमक का ही सारा गेम है। नमक अगर सही तरीके से डाला जाएगा सही क्वांटिटी में, ना नमक ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, मतलब इक्वल क्वांटिटी होनी चाहिए। लहसुन अदरक ये लग गया इसमें, अब नमक डलेगा, नमक डल जाएगा इसमें। नमक इसमें कितना डाल रहे हैं, ये तो 1.5 टेबल स्पून, ये समझ लो 2 स्पून डाल दिए, 2 स्पून डाल दिए फिलहाल के, 2 स्पून डाल दिए नमक। सही है, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिक्स मिक्स और मिक्स, उसके बाद इसको भी मैग्नेट होने के लिए छोड़ देंगे। सही है, ये भी कोयले पे ही लगेगा, कोयले पे लगेगा, लेकिन ये हल्के उस पर बनता है, हल्की आंच पे। हाँ हल्के हल्के कोयले पे बनेगा ये, तेज आग पे नहीं बनेगा ये। सही है सही है, ये तो हीट पे बनेगा, हीट पे, कोयले की हीट पे बिल्कुल। ये तो इंशाल्लाह आगे आप लोग को वीडियो में देखने को मिल ही जाएगा कि कैसे पकेगा। हाँ। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा कि कितनी क्वांटिटी की आग पे जलाना है और पकाना है। तो फाइनली 2-3 घंटे के इंतज़ार के बाद जो है वो लाइट आ चुकी है, और मैंने लाइट के आते ही फ़ौरन से पपीते का पेस्ट और हरी मिर्ची का पेस्ट यहाँ पे बना लिए। पपीते को मैंने इस तरह से बिल्कुल अच्छे से जो है वो ब्लेंड कर लिए, ये मैंने एक पपीता लिया, अब इसमें से इसमें भी डलेगा और जो हम लोग की नमकीन बोटी है उसमें भी डलेगा। तो इसमें ये उज़ैर ऐड कर रहे हैं ज़्यादा करके, क्योंकि अभी हम लोग के पास टाइम बहुत कम बचा, सिर्फ 1 घंटा बचा और हम लोग को 1 घंटे बाद कबाब लगाना है, तो इसलिए ज़्यादा डाल रहे हैं ताकि जो है वो जल्दी गल जाए, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। अगर 2-3 घंटे पहले करते तो फिर थोड़ा शायद कम डालते, लेकिन अभी बहुत कम टाइम बचा तो इसीलिए इसको डाल के जो है वो अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। उसके बाद मैंने हरी मिर्ची का जो पेस्ट है वो भी मैंने बनाया था, 20 से 25 हरी मिर्ची का मैंने पेस्ट बनाया, तो अब वो पेस्ट जो है वो इसमें ऐड कर देंगे। इसमें मैंने पूरा पानी जो है वो निकाल दिया ताकि इसका पानी जो है वो नहीं आए और जो गोश्त है वो पानी नहीं छोड़े। तो बस अभी इसको डाल के जो है अच्छे से मिक्स करके इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए जो है वो छोड़ देंगे। अब हम लोग यहाँ पे जो है वो पपीता ऐड कर रहे हैं नमकीन जो हम लोगों ने गोश्त रखा था उसमें, क्योंकि ये भी हल्की कोयले पे ही पकेगा तो इसलिए इसमें भी पपीता होना बहुत ज़रूरी था कि ये जो है अच्छे से गल जाए, तो इसलिए इसमें भी पपीता ऐड कर रहे हैं, वो भी ज़्यादा टाइम ज़्यादा नहीं बचे, तो बस इसमें भी पपीता डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो गोश्त का काम तो डन हो गया था, तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी जो है वो चटनी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ टमाटर की चटनी। इसके लिए मैंने लिया है 3 टमाटर। आप लोग चाहे तो नरम टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं, तो क्योंकि नरम टमाटर वैसे भी सादा में यूज़ नहीं, तो चटनी में यूज़ कर लीजिए। लेकिन मेरे पास हार्ड था, नरम नहीं था, तो मैंने इसलिए भी यही वाला टमाटर ले लिया। उसके बाद हरी मिर्ची इसमें ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं, 5 से 6, और थोड़ा सा ही बारीक वाला जो है वो लहसुन, वो इसमें ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से जो है वो ग्राइंड कर दूँगी। अगर ये नहीं हो, मतलब हार्ड अगर टमाटर होते तो ये अच्छे से ब्लेंड नहीं होता है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी जो है वो ऐड कर दीजिए। ये चटनी जो है वो बारबेक्यू बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर आप लोग राइस के साथ भी खाएं या रोटी के साथ भी खाएं, तो भी बारबेक्यू के साथ अगर ये वाली चटनी ले तो बहुत अच्छी लगती है उजाए को और बाकी सबको भी। लगभग ये टमाटर वाली चटनी जो है वो बहुत पसंद है। और हुआ भी यूं ही कि टमाटर वाली चटनी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और रायता जो है वो बच गया था, टमाटर वाली चटनी तो बची ही नहीं थी बिल्कुल भी। तो इसको बस अच्छे से जो है वो ब्लेंड कर लेंगे और थोड़ी देर में ब्लेंड हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी दूसरे वाली चटनी। तो ये हम लोग की टमाटर की चटनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, एकदम गाढ़े गाढ़े से टमाटर की चटनी बनी है। अब इसके अंदर मैं बिल्कुल हल्का सा नमक ऐड कर दूंगी और कोई भी मसाला ऐड नहीं करना है इसमें, बिल्कुल नमक अपने टेस्ट के मुताबिक आप लोग ऐड कर लीजिए। और मैं भी इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो देख सकते हैं इसका कैसा टेक्स्चर बना है। इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूँगी, ठंडा होने पर ये और भी अच्छी लगेगी और बहुत ही टेस्टी भी बनती है ये। तो टमाटर की चटनी का अब मैं बनाऊंगी रायता, जो कि ग्रीन उसकी चटनी का बनता है। तो यहाँ पे मैंने लिया है पुदीना, धनिया, थोड़ा थोड़ा सा पुदीना ले लिया, थोड़ा सा धनिया ले लिया, और साथ ही मैंने इसके लिए लिए है हरी मिर्ची, वो भी 5 से 6, क्योंकि ज़्यादा नहीं डालूंगी वरना ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। ऑलरेडी कबाब भी स्पाइसी है, चटनी भी स्पाइसी होंगी तो बिल्कुल खा ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए फिर थोड़ा सा ही डालूंगी। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी कि वैसे जो है वो अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा। पानी मैंने पहले ही ऐड कर लिया था जग जब वॉश करने गई थी, तभी डाल के लिए आई थी। तो बस अभी इसको भी अच्छे से जो है वो ब्लेंड कर लेंगे। जब इसकी चटनी बन जाएगी तो फिर आगे आप लोगों को बताती हूँ क्या करना है। तो यहाँ पे मैंने जो दही है उसको अच्छे से ब्लेंड करके रख लिया था, चम्मच से इसको मैंने ब्लेंड किया था, हाथ से किया था, वरना जूसर में तो ये बिल्कुल लस्सी बन जाता। उसके बाद मैंने अपनी ग्रीन चटनी जो है इसमें ऐड कर दी और अभी से देखिए कितना ग्रीन बना है, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन रायता बना है। अब इसमें मैं सिर्फ नमक ऐड करूँगी और कुछ भी ऐड नहीं करूँगी। अगर आपको इसको पतला करना है, मतलब इतना गाढ़ा नहीं चाहिए, थोड़ा हल्का पतला वाला चाहिए, तो ये जो जग में चटनी है इसी चटनी में थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको अच्छे से मिला कर उसमें ऐड कर लीजिए, वो थोड़ा सा पतला हो जाएगा। तो मैं भी अभी यही करूँगी, इसमें पानी डाल के इसको डाल लूँगी, थोड़ा सा ये और पतला हो जाएगा और चटनी भी जो है वो आपकी ज़ाया होने से बच जाएगी और रायते में डल जाएगी। और ये ब्रश है जो हम लोग उसके ऊपर घी लगाने के लिए, कबाब के ऊपर लगाने के लिए यूज़ करेंगे। मेरे पास वैसे पुराना ब्रश भी था पर वो ख़राब हो गया, तो ज़ाहिर ये न्यू लेकर आए हैं। और यहाँ पे तकरीबन गोश्त को 1 घंटा हो गया है, वो मटन नीचे ले जा चुके हैं और बीफ ऊपर ही है, अभी मैं नीचे ले जाऊँगी जब तक चावल रेडी हो जाएगा। बस रेडी होने ही वाले, जैसे ही चावल रेडी हो जाएगा फिर मैं भी नीचे चली जाऊँगी, क्योंकि हम लोग चावल के साथ ही कबाब खाएंगे। फिर मैं नीचे जाके दिखाती हूँ कि नीचे उज़ैर क्या कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने बकरे का गोश्त लगाया है, बिल्कुल धीमी आंच में कोयले की, फिर साइड साइड में पत्थर लगाए हैं, इसको ऊंचा कर दिया ना। अच्छा हाँ, वरना गोश्त कोयले पे लगता ना। और ये रेडी हो रहा है हम लोग का गोश्त और साथ फैन भी चल रहा है भाई, खुशबू अच्छी आ रही है। हाँ खुशबू अच्छी आ रही है अभी से, हालांकि अभी सिर्फ 2 सीख हुआ है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है यार अभी से। और ये बारिश का क्या सीन हो गया उजैर, हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है। अच्छा तो अभी ये बन रहे हैं और यहाँ पर फवाद बैठ के सारे सीख में लगा रहे हैं कबाब, लग गया पूरा। अब इसके बाद कबाब लगेगा, ये नमक ऊपर से एक्स्ट्रा डाल रहे हो? हाँ ना, एक्स्ट्रा भी डालते हैं नमक। अच्छा एक्स्ट्रा भी डालते हैं, सही है सही है सही। तो ये है वो सरप्राइज़ जिसकी मैं वीडियो के स्टार्ट में बात कर रही थी, और ये सरप्राइज़ है हम लोगों के घर का छोटा सा नन्ना मुन्ना सा प्यारा सा चिराग है, जिसका हम लोग इंतज़ार कर रहे थे घर आने का, कि जब ये घर आएगा आप ही के साथ यानी अपनी मामा के साथ, तो फिर ही हम लोग अपने घर में कबाब लगाएंगे। तो आज फाइनली ये आ ही गया और आज भी हम लोगों ने कबाब लगा लिया। तो अभी मेरा शहज़ादा सो रहा है,
तो जब से ये आया है तब से सो ही रहा है, मैं इसके उठने का वेट कर रही हूँ कि कब ये उठेगा और कब मैं इसको गोद में लूँगी। मतलब सभी लोग इसके उठने का इंतजार कर रहे हैं कब ये उठे और कब इसको सब लोग बारी बारी गोद में ले। लाइन ही लगी हुई है इसके लिए। तो विल तुम इसके क्या लगते हो? पता नहीं, यही नहीं पता है तुमको? मामू लगते हो ना, मामू हो ना तुम इसके। पहले चाचू बने अब मामू बन गए हैं। पहले तुमसे छोटी फातिमा आई, फातिमा से छोटा ये आ गया। बताओ कौन हो तुम इसके? मामू हो ना, छोटे मामू हो ना तुम इसके, सबसे छोटे मामू हो। कैसा लग रहा है मामू बन के शिविल? हैं बच्चे शर्मा रहे मामू बन के? हैं शर्मा रहे, शर्मा रहे हो? सीख कहाँ से मिला? इतने मुश्किल से, इतने मुश्किल से मिले। कब से घूमा था ये सीख हम लोग का? पिछले साल से। हाँ, और अब जाके मिला है इतनी गनीमत से। बन गया ये? ओए खुशबू कितनी अच्छी आ रही है इसकी। उजैर पूरा पक गया या ये हाफ कच्चा है? पक गया। सही है, सही। इसका ढक्कन दो शिविल, शिविल ढक्कन दो मुझे। चलिए भाभी गर्म है ये। हाँ इसको नहीं छूना अभी। सही है, अभी इसमें लग रहा है। और यहाँ पे कोयले का क्या हाल है? यहाँ पे कोयला भी जल ही रहा है, बस बारिश रुक गई अल्लाह का शुक्र है यार, वरना पूरा स्पॉइल हो जाता ये। लेकिन खा लेते हैं अभी हम जी। अभी हाँ ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सा। सही है, फिर अंदर ले आ, लगवा रही हूँ मैं दस्तरखान पे। अल्लाह का शुक्र है अभी बारिश रुक गई है। हाँ फवाद शिविल, बारिश रुक गई। शिविल कहाँ घूमो बाबू, सदमे में हो? मोबाइल चला। बेचारा बच्चा काम करने में लगा ही हुआ है, लगा ही हुआ है अकेला। जब भी कबाब लगते हैं इसका यही हाल होता है। देखिए अभी इतना सारा लगा चुका बेचारा, अकेला ही लगा रहता है। और यहाँ पर हम लोग का कोयला भी बस हो ही रहा है। अभी जाते हैं हम लोग वो वाला बोटी खाते हैं और ट्राई करते हैं कैसा बना, फिर आप लोग को बताती हूँ। दिखाओ दो जरा कैसा बना, कैसा बना बकरे का? ये तुम्हारा बकरे का है? कैसा बना है वजह? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा बना है, बहुत जबरदस्त बना है ना। नमकीन नमकीन हाल बहुत हवा, तुम भी लो। मीठा बना है, फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम ट्राई किया है ना, सक्सेसफुल हो गया। अब नेक्स्ट टाइम बनाया करेंगे, बीफ का ट्राई करेंगे। बीफ का मजा नहीं आता ये। अच्छा ये दुम्बे का या बकरे का ही अच्छा लगता है ना? बकरे की हड्डी का ही ज्यादा अच्छा लगता है। सही है। और यहाँ पे पूरा धुआं धुआं भर गया है सीख कबाब की वजह से, और उजैर धुएं में बेचारे दिख ही नहीं रहे हैं, नजर ही नहीं आ रहे। और ये धुआं किस वजह से हुआ है उजैर? घी डाला है ना इसलिए। और चर्बी की वजह से आई थी, ये चर्बी पिघल रहा है, मेल्ट हो रहा है ना कोयले का। और ये पूरा धुआं धुआं हो गया है घर। मेरी आई जल रही है। फातिमा बेटा क्यों बाहर आए? सोनू अंदर जाइए। और फवाद अभी तक लगा नहीं, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। ट्रिप हो चुका है वो रहा, अब ये दूसरा ट्रिप भी मैं ही करूं। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, जल्दी जल्दी फास्ट जी। आप भी आ जाओ जी, लूं आपको? क्यों क्यों लूं? क्यों लूं? नहीं लूंगी मैं। ओए ओए गोदों में आएगा। अच्छा अच्छा, अभी मैं ऊपर जा रही हूँ डीप फ्रीज से कोल्ड ड्रिंक निकालने के लिए। आज तो मैं ऊपर नीचे कर करके थक गई हूँ यार, पाँव में दर्द हो गया मेरे। पहले सब कुछ नीचे पहुँचाई और सब कुछ लगाई, और अब आई हूँ कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए। अरे इसमें से तो कोल्ड ड्रिंक निकालना मुश्किल है। एक मिनट कोल्ड ड्रिंक निकाल लूँ फिर कंटिन्यू करूँगी। निकाल ली फाइनली मैंने कोल्ड ड्रिंक। चलो अब नीचे वापस चलते हैं, लाइट बंद हो गई। चलती हूँ नीचे वापस कोल्ड ड्रिंक लेके। और सीढ़ी गीली हो रही, मुझे आराम से उतरना, इसलिए कैमरा ऑफ करना पड़ेगा। बेचारे उजैर थक गए, और हम लोग का कबाब भी बस रेडी होने ही वाला है। कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट लगेगा। और धुआं इतना हो रहा है, गर्मी इतनी हो रही है यहाँ पे। हालांकि आज गर्मी हो नहीं रही अभी, लेकिन धुएं की वजह से गर्मी लग रही है। बस होने ही वाले कबाब हम लोग को 10 मिनट में रेडी हो जाएगा। बस ये आखिरी है ना, बाकी सब हो गए कम्प्लीट। सही है सही है। बस इसके बाद 10 फैन लगाती हूँ मैं अंदर जाके, तब तक आप इसको रेडी करके ले आइए। अब फैन से इसको हवा दी जा रही है, किस लिए? ताकि कोयला जला दे। हाँ, ताकि हैंड वाला फैन नहीं यूज करना पड़े, 2-in-1 एडवांस। ओए बहुत पर हो रही है। बाद में इसको पलट रहे, रेडी हो गया है, सिर्फ पलट रहे। हाँ, पलट रहा हूँ ना। अच्छा पलट रहे। सही सही, अभी रेडी नहीं हुआ। मुझे बहुत तेज भूख लगी। और उधर आपको?
चावल बनाई हो? हाँ चावल बना ली। भूख लगी है? नहीं भूख तो नहीं लगी है, वो खा लिया ना। अच्छा हाँ वो वाला खा लिया ना। अच्छा मैंने जितना नहीं खाया वो, लेकिन मुझे भूख लगी। खत्म हो गया वो? नहीं है थोड़ा सा बचा, थोड़ा सा बचा है। बहुत जबरदस्त बना था। हाँ लेकिन वो, लेकिन ताज़ा खाने का मजा है ना, वो गरम 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 पके और खा लो। ठंडा होने के बाद उसका कोई मजा नहीं है खाने का। ठंडा होने के बाद असल में चर्बी ज्यादा होता है ना उसमें। हाँ वो पूरा उसके ऊपर सूख जाता है ना, तेल तेल की तरह, इसीलिए गरम गरम खा लो उसको। वो खाने का मजा सर्दियों में, सर्दियों में। अच्छा सर्दियां गुजर गई, कोई नहीं सर्दियां आएंगे तो फिर बनाएंगे। वजह की ख्वाहिश तो दुम्बे का बनाने की थी ना, पर दुम्बे और गोश्त ऐसे कहीं से मिलता नहीं है सही। यही तो मसला है, इसीलिए नहीं बना पाए ये। फिर मैंने कहा पता नहीं आग ही ना लग जाए। हमारे शेफ जी आज बहुत खुश, आज शेफ जी ने बहुत ही मेहनत वाली डिश बनाई है, अभी इसको खाएंगे तो फिर मजा आएगा, सारी मेहनत पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। इसका फाइनल लुक अभी आपको अंदर जाके दिखाऊंगी। हो गया? हाँ रेडी हो गया। वही कितना गरम गरम है, गिर रहे। इसको रखो रखो वहाँ पे रखो, गिर जाएगा। और बस रेडी हो गया सब कुछ, कबाब रेडी हो गया और ज़ैद बस लेकर आ रहे हैं, थोड़ा सा ले आए, बाकी जो लास्ट वाला था वो लेकर आ रहे हैं। और यहाँ पे जो है खाना भी सब कुछ रख चुका है दस्तरखान पे, और सेलिब्रेट हो यहाँ पे। सबसे पहले जो है वो हम लोग की फातिमा आकर बैठी है दस्तरखान पे, इसको लगता है कुछ ज़्यादा ही भूख लगी है। तो ये रहा हम लोग के कबाब का फाइनल लुक, और बहुत ही टेस्टी बना था, यम्मी बना था, स्पाइसी स्पाइसी बना था। तो इसी के साथ अगर आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और दुआ में याद रखिएगा, और नेक्स्ट व्लॉग तक का वेट करिएगा।